हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का पार्ट नंबर 7। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 6 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें 1947 में हमारी इकोनॉमी कैसी थी उसी के ऊपर बात करना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, फिर मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाया था, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताया, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हमारे को पढ़ना है कि हमारे देश के अंदर 1947 के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था, ठीक है, और थोड़ा सा उसे हम लोग आज से भी कंपेयर करेंगे। तो आज इस चैप्टर का हम पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और पार्ट नंबर 7 के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो इसमें कुछ खास खास चीजों के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रहेगा कि रोड का हिसाब किताब कैसा था, रेलवे कैसा था, और पोर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो बातें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, बस इतना ही हमारे को इस वाले पार्ट के अंदर पढ़ना है कि रोड्स की हालत उस टाइम पे कैसी थी, क्या बहुत बढ़िया रोड थे, हाईवे थे, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े हाईवेज हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, रूरल एरियाज को जोड़ने वाली अच्छी खासी सड़कें हमारे पास हैं, इंडियन रेलवे का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो क्या उसी तरीके का हिसाब किताब 1947 में भी था, तो इन सब चीज़ों का आंसर हमारे को मिलेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे रोड्स की क्या कंडीशन थी 1947 में, आप थोड़ा सा समझना। रोड कंस्ट्रक्टेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर बिल्ट प्राइमरी फॉर द पर्पस of mobilizing the army within the India and drawing out the raw material from the country side to nearest railway station or the port for send these to England। बड़ी important बात यहाँ तक कही कि अंग्रेज ना बड़े चालाक थे, उन्होंने हमारे देश के अंदर जो रोड बनवाए थे वो भी अपने मतलब के लिए ही बनवाए थे। उन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन वहां पर करवाया जहां पर उनको रॉ मटेरियल लेकर रेलवे स्टेशन तक जाना था, यानी कि ज्यादातर जो रोड थे वो इसलिए यूज किए जाते थे ताकि उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह तक मूव कर सके, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने रोड वहीं बनाए जहां पर उनको रॉ मटेरियल नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक या पोर्ट तक पहुंचाना था। कुल मिलाकर बात यह कि लोगों के आने जाने के लिए या इंडियंस के आने जाने के लिए या फिर रूरल एरिया को अर्बन एरिया से जोड़ने के लिए इस तरीके की सड़कें नहीं बनवाई गई, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या निकला कि जब बहुत ज़्यादा रेनी सीजन आ जाता था या फिर ऐसे नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती थी, तो उस टाइम पे जो रूरल एरिया में और ऐसे एरिया में रहने वाले लोग हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और ऐसे में इंडिया के बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। देयर वॉज Always an acute shortage of all weather roads. All weather road होते हैं कि ऐसे road होते हैं जो हर season में काम आए, भाई बारिश भी हो गया तो road पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन इस तरह के roads इंडिया में नहीं थे। To reach out the rural areas during the rainy season के अंदर rural area तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर roads बनवा ही नहीं रखे थे। Roads सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज़ होते थे और वहीं बनवाए थे जहाँ पर उनकी आर्मी मूव करती थी, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती थी, या फिर दूसरा उन्होंने रोड वहाँ पर बनवाए थे जहां पर उनको रॉ मटेरियल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने थे या फिर पोर्ट्स तक पहुंचाने थे। ड्यू टू विच पीपल लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड बाय द बैडली ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेटीज एंड इज फेमिन्स। कह रहा है कि फेमिन्स आने पर या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज पर जैसे बाढ़, भूकंप, ये सारी चीजें आ जाती है तो लोग वहां से निकल नहीं पड़ते थे। अकाल की स्थिति में या फिर जैसे फूड की कमी पड़ जाती थी तो आसानी से उन्हें फूड भी नहीं पहुंचाया जा सकता था, ठीक है। अगले नंबर पे हम समझते हैं कि रेलवे की सिचुएशन क्या थी। रोड की सिचुएशन हमने पढ़ ली कि भाई रोड भी उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाया था, आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके इसलिए, और रॉ मटेरियल को नियरेस्ट कहां तक पहुंचाया जा सके, रेलवे स्टेशन तक और पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके, बस इसलिए रोड को बनवाया था। रोड इंडियंस की सहूलियत के लिए नहीं था, रूरल एरिया को अर्बन एरिया से जोड़ने के लिए नहीं था। अब आ जाते हैं रेलवे के बारे में। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850, अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर 1850 के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जो कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इंडिया के अंदर। लेकिन फिर भी इस रेलवे को जो इंट्रोड्यूस करा गया इसके पीछे का पर्पस क्या था, जरा समझते हैं। वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसका सबसे मेन पर्पस था कि ब्रिटेन से फिनिश गुड्स जो आता है, ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा, जो पोर्ट्स पर उतरेगा,
वहां से रॉ मटेरियल को इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, ठीक है, फिनिश गुड्स को, एंड द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। इट एम टू विडनिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटेन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और रेलवे इंट्रोड्यूस करने का एक और पर्पस था कि इंडिया की मार्केट को बढ़ाया जा सके, यानी कि अंग्रेज ये चाहते थे कि रेलवे का, अगर हम रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर फैला देंगे तो हम क्या करेंगे, जो ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आता है हम इंडिया के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसे ले जाकर क्या कर सकेंगे, बेच सकेंगे। इसका मतलब जो ब्रिटेन की मार्केट है वो इंडिया में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटेन इन इंडिया। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी, इंडियंस के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस नहीं करा गया, लेकिन इंडियंस ने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। कैसे फायदा उठा लिया, इंडिया में उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब आंदोलन होते थे तो नेता एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और मतलब इकट्ठा हो जाते थे। इसके अलावा इंडियंस ने अपने कल्चर को बांटा, इंडियंस एक दूसरे से मिलने लगे, लंबे सफर के लिए रेलवेज का इस्तेमाल इंडियंस भी करने लगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बंदरगाह कह देते हैं, जो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, जहां पर पानी के जो शिप्स होते हैं वहां आके रुकते हैं और वहां पे रॉ मेटेरियल भर के ब्रिटेन पहुंचा जाता था और फिनिश गुड्स वहीं से आता था, तो वहां से उतार के रेलवे में या फिर बस वगैरह के अंदर और जो गाड़ी वगैरह चलती थी उसमें रखकर फिर इंडियन मार्केट के अंदर लेके आया जाता था, ठीक है। तो पोर्ट्स क्या था, डेवलप टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल। पोर्ट्स क्यों बनाए गए, पोर्ट्स बस इसलिए बनाए गए ताकि वो रॉ मेटेरियल को एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है, टू ब्रिटेन, ठीक है, रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर सके और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर सके, कहां से, ब्रिटेन से। तो कुल मिलाकर आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहां पर कि ट्रांसपोर्टेशन में जो तीन चीजें थी, रोड था, रेलवे था और पोर्ट्स था, ये तीनों ही चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोगों की भलाई के लिए था, ब्रिटेन गवर्नमेंट की भलाई के लिए था, इंडियंस के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था, लेकिन फिर भी इंडियंस थोड़ा बहुत तो इसका फायदा उठा ही ले रहे थे, ठीक है, जैसा मैंने आपको रेलवे में एग्जांपल दिया। अगले नंबर पे है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, जैसे कि पोस्ट की सर्विस, कुरियर सर्विसेज, इन सब चीजों के हालात कैसे थे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, कह रहा कि पोस्ट और टेलीग्राफ के बारे में लिखा हुआ है, डेवलप्ड टू इनहेंस, इनको क्यों डेवलप्ड किया गया, इनको डेवलप्ड किया गया टू इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। जो अंग्रेज हमारे देश के अंदर राज कर रहे थे तो उनके ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, जो ब्रिटेन के अंदर मेन गवर्नमेंट बैठी है वो इंडिया के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, और एक दूसरे के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए बस उन्होंने हमारे देश के अंदर पोस्टल सर्विसेज वगैरह क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। डाउटलेस इट इज सर्व द पर्पस ऑफ द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमारे देश के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, जिसके अंदर सबसे मेन था उस टाइम पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है।